हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम हो गया शहजाद फैमिली ब्लॉग में गाइस। तो गाइस जैसे कि सुबह मैं ऑफिस गया था और ऑफिस गया सारा दिन, मैं पूरा दिन ऑफिस में ही बैठा, कहीं गया नहीं। तो अभी बस 7 बजे मैं ऑफिस से निकला हूँ। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैं बोला चलो ब्लॉग शूट करता हूँ। तो ब्लॉग अभी जस्ट गाइस स्टार्ट किया हूँ, अब यहाँ से निकला हूँ, जा रहा हूँ घर पर। और घर पर चल के देखते हैं क्या है, क्योंकि आज तो बारिश में तो बहुत कहर ढा रखा है और इतना पानी भर गया है सब तरफ, रोडों पर चारों तरफ पानी भर गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं 26 जुलाई आज मुंबई में वापस से कहर ढा रहा है, बारिश देख सकते हैं आप, पानी इतना बारिश हुआ है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप रोडों पे पूरा पानी भर चुका है और एम्बुलेंस भी वहाँ फंसी है, पूरा रोड जाम है। मैं अभी जस्ट ऑफिस से बाहर निकला हूँ, धीरे धीरे घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पूरा रोड जाम हो गया ट्रैफिक से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ एम्बुलेंस फंसी हुई है, पूरा ट्रैफिक जाम है आगे। तो अच्छा है, चलो मैं तो बाजू में रहता हूँ, फटाक से चल के आ जाता हूँ, लेकिन आज बहुत बारिश है और लग रहा है ये बारिश रात भर रुकने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है बारिश में। तो लोगों का देखो, बच्चे लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं टैक्सी में जा रहे हैं, तो पूरा रोड जाम है गाइस, आप जहाँ तक देख सकते हैं पूरा रोड जाम है बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा रोड जाम है। और आज के दिन तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं है कहीं भी जाएगा तो आदमी फंस जाएगा, क्योंकि पूरा रोड जाम है, पूरा टोटल जाम है। बारिश खूब जमाजम हो ही रही है और मैं काम पर से आ गया घर पे, आके चाय वाय पी के बैठा हूँ और हल्लो जाके आ चुकी है मार्केट से लाई है भिंडी और टमाटर, तो इतना महंगा है फिर भी टमाटर के कितना लाई, आधा किलो टमाटर लाई है भैया। बोल रहा हूँ टमाटर बिना भाजी बनाओ दाल बनाओ सुनती नहीं है, टमाटर इतना महंगा है मत खाओ टमाटर, टमाटर के बिना तो मजा ही नहीं आएगा, कुछ मुझसे नहीं सब मजा आता है, बिना टमाटर का खाओ तो। एक तो इतना महंगा टमाटर 200 कितना 210 रुपया ना, 120 अभी 120 हो गया, 120 है, 100 रुपया था, अभी आधे किलो 50 कर दिया। हाँ तो अभी मतलब थोड़ा कम हुआ है, आधे पे आया है। और पीछे बैठी है मुस्कान जो एकदम सुस्तड़ है, शाम होता है तो इसके बदन में सुस्ती एकदम कूट कूट के भर जाती है, एकदम बस खाली कुछ काम की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। बैठी है और हेलो, अभी मच्छी का सालन खाने के लिए गांव जा, गाइस मैं गांव जाने को बोल रहा हूँ क्योंकि गांव में इस टाइम मच्छी बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरी बहन ने फोन किया था भैया मच्छी बहुत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव चले जाऊं, वैसे मम्मी का तबीयत थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा खराब है क्योंकि आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो आंखों में दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा था जाके देख कर आऊं एक बार। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर अच्छे से रखा नेक रखा तो हो सकता है कि मैं इस लास्ट हफ्ते में मैं गाँव चले जाऊँ। चले मच्छी का सालन खाने के लिए गाँव कोई जाता है क्या, और ऑर्डर दे दिए पहले से 5 किलो अचार का, और मेरी माँ ने बना के रखा है 5 किलो अचार, आम का अचार बना के रखा हुआ है मेरे लिए पर्सनली, तो बोले किसी को नहीं दूंगी, जब भी आओगे तुम लेके जाना। तो मैं सोच रहा हूँ वही कि मैं गांव चले जाऊँ, वैसे भी काम वाम बहुत ठंडा है, मेरा काम वाम है ही नहीं, तो अभी इसी टाइम में जाके आ सकता हूँ। तो अभी बट सोच रहा हूँ, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैन मनी नहीं है अभी फिलहाल पैसे वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत टाइट चल रही है काम की वजह से। और यहाँ पे हलीमा, कैसे आप लोग, क्या कर रही है? अच्छा चिकन लाई है, चिकन की लेग पीस है, कैसा करके दिए ला, चिकन लेग पीस लेग पीस है वो। अच्छा कैसा काटा है, छोटी सी दिख रही है, मतलब दो कर दिया उसने, गई थी भाजी लाने के लिए, कुछ था नहीं, भिंडी उठा के ले गई, मसाला उठा के ले गई, टमाटर उठा के लाई और चिकन लेकर आ गई। बारिश में क्या खाए क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आता, रोज रोज वही टेंशन लगा रहता है क्या बनेगा। मैं को तो मालूम ही नहीं रहता भाई, जो बनाना है बनाओ, जो बनाना है जो, मैं कुछ सब चलता है, कुछ भी खा लूंगा मैं, घास फूस जो मिलेगा सब खा लेता हूँ भाई की नहीं मुस्कान। ठंडी भी बहुत लगी, बाप रे हवा भी बहुत चलने लगी, मुझे क्या, किधर हवा चल रही थी, अभी हवा चल रही थी बहुत तेज,
ये क्या पूरा तुआल उड़ रहा था कितना मुंह के सामने कैमरा लेके आ रहा था तो चलो बनाओ फटाफट मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। गाइस देख सकते हैं आप मुस्कान यहाँ पे आज कुछ नया वाला डिश बनाने जा रही है। क्या बनाने जा रही है क्या बना रही है? तो आज मैं बना रही हूँ चिल्ली चीज टोस्ट। चिल्ली चीज टोस्ट। मैंने दो चीज ली छोटी वाली उसको अच्छे से घस के ली और ये हमारा शिमला मिर्ची है एक है ना एक ही थोड़ा सा बारीक कट करके ली और यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स है कि मैंने चार लाई थी तो अभी फिलहाल मैंने दो ही ली थी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वापस डालूंगी और थोड़ा सा दूध है ज्यादा नहीं और ब्राउन ब्रेड है ब्राउन ब्रेड का भी पूरा पैकेट लाई हूँ फिलहाल मैंने तीन निकाली हूँ तो अभी पहले इसके अंदर हम लोग डालेंगे शिमला मिर्ची जितनी आप लोग को चाहिए ज्यादा हम लोग घर में सुहान तो पूरा निकाल देता है तो पूरा पूरा ही डाल देती है काम करती हूँ पूरा शिमला मिर्ची इसमें ऐड करेंगे चीज कम दिखेगी अगर कम लग रहा है तो फिर और डाल सकते हैं फिर इसके बाद चिल्ली फ्लेक्स इसमें थोड़ा सा डालेंगे पंखे से उड़ेगा नहीं उड़ेगा नहीं उड़ेगा बस अब इसमें दो चम्मच पकड़ लो थोड़ा सा दूध इसमें दूध ये थोड़ा सा ही मैंने दूध लिया ज्यादा नहीं हाँ मिक्स करने के लिए खाली तो खाली मिक्स करने के लिए उसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेगी ये हम लोग खाने के लिए सब बना रहे ना तो इसलिए ये ज्यादा ली है मैं पूरा ही दूध डाल दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा मैंने ली नहीं हूँ उसको अच्छे से तो ये मैंने दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अभी हम इसको ब्रेड पे लगा देंगे तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड पे लगा दी और वहाँ पे तेल भी गर्म हो रहा है तो फटाफट मैं तीनों ब्रेड में पहले लगा लेती हूँ फिर आपसे ये लोग देखो क्या कर रहे क्या बना रहे क्या तो यहाँ ये मैंने पूरा मेरा ब्रेड रेडी हो गया है सब लगा के और यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा मस्का लगाई हूँ आप लोग तेल से भी तल सकते हो मस्के से भी जैसा आप लोग को लगे तो हम लोगों ने ये बच्चे लोग का डिश है अच्छा लगता है मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं बनाई नहीं बट मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने देखी तो मैं ट्राई करी चलो हमारा तवा भी गर्म हो गया है क्योंकि उसको बहुत खाओ खाओ लग रहा था वो बैठा है ना उसको नहीं मुझे भी बहुत पसंद है खाने को भी मांगता है गर्म तो नहीं है ना पूरा उधर चला गया मस्का हाँ तो रख दो ना रखो पहला उसे ही हो जाएगा हाँ हो गया हो गया हो गया इसमें रख दो खाली इसके ऊपर क्या रहेगा कुछ भी नहीं बस ऐसे ही नीचे का सेक जाएगा तो पूरा चीज अंदर हो जाएगा ना तो ये तो कच्चा ऊपर कच्चा रहेगा कुछ कच्चा नहीं रहेगा पकेगा पक जाएगा तो ये लोग बना रहे क्या मालूम चीज पकौड़ा कौन सा पकौड़ा चिल्ली चिल्ली किधर है इसमें ऊपर है ना एक साथ में नहीं पहले दो अरे चारों आएगा चारों कैसे रखो आएगा उधर कर एक कोने में कर एक उस साइड कर एक उस साइड कर आएगा चारों आएगा उसपे हाँ ऐसा एक उधर रख यहाँ पे तो वो ही नहीं आया उसका और बराबर से कर फिर उसको बाद तवा घुमा देना चारों तरफ आ जाएगा पीछे वाला पीछे कर उसको हाँ उसको उधर का तुम कंफ्यूज कर दिए ये वाला और इधर सर का उधर वो भी आ जाएगा चारों ओर कपड़े से तवे को घुमा दे इस तरफ आ जाएगा पूरा मस्का इस तरफ थोड़ा और डाल दे मस्का साइड साइड में इस साइड डाल दे मस्का मस्का कम हो गया है ना हाँ। बारिश में इन लोगों को क्या मालूम क्या क्या सोचता है खाने के लिए पता नहीं है इस साइड डाल दे इस साइड जिदा है तो यहाँ पे इन लोग का बन गया है चीज पकौड़ा चिल्ली चीज टोस्ट तो देखो कितने अच्छे से चीज पूरा मेल्ट हो गया अब इसको थोड़ा कट करके सॉस के साथ लगा के आएंगे छुरी खाओ मुझे अभी छोटी वाली प्लेट दो ना मैं तो नहीं खाऊंगा देखो अच्छा लग रहा है सुहानी हाँ जिसको खाना खाओ जिसको नहीं खाना पापा का खाओ तुम लोग चीज नहीं ऐसे कुछ पापा नहीं खा रहे ना अच्छा यही कुछ भी सोचता है ये बनाना वो बनाना तो लोग बनाए चीज पकौड़ा क्या मालूम मेरे को ये देखो इसको पहली बार देख रहा हूं मैं तो ये देखो गाइस क्या नहीं होएगा नहीं होएगा क्या है सॉस निकाल क्यों नहीं होगा कट करने की जरूरत है अपने आप सबके सब एकदम टूट पड़े हैं चार ब्रेड है चार ब्रेड पे कितने जने एक दो तीन चार मैं नहीं खा रहा हूँ मिल नहीं रही है कहीं पे भी वो दो ही मुश्किल से मिली तो उसमें बना तो भी कर रही है सॉस निकालने भी नहीं दे रहा मेरे को कितना खाएगा सॉस इसको तो बारिश में क्या मालूम क्या इसके पेट में घुस रहा है मैं बना रही थी ना मुझे बहुत कमेंट कर रहा था अब बराबर खा रहा है अच्छा बना अच्छा लग रहा है इसका देखा अच्छा बना ना मस्त लग चल झूठी फैमिली देखियो तो ट्राई कर ले मैं तो नहीं खा रहा हूँ ये लोग खा रहे मेरे को नहीं अच्छा लगता है सब खाने तुम्हारी गलती
खाओ ना तुम। नहीं मेरे को नहीं खाना, खाओ तुम लोग। देखो नहीं खाना है मुझे। पिज्जा भी फेल लग रहा है इसके सामने। पिज्जा पिज्जा एक नंबर लगता है मुझे। अच्छा लग रहा है पिज्जा मेरा एकदम अच्छा। बस ना कितना सॉस डालेगा तू? अच्छे से टोस्ट करने का, एकदम ब्राउन करने का, तो ये पूरा ऊपर पिघल जाता है चीज। अच्छा लग रहा है रे, खाने का मजा ही आ रहा था। खाली शिमला मिर्ची नहीं मिला। चलो मैं अभी ब्लॉग एंड करता हूँ, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा। और मेरी चीज चिल्ली चीज टोस्ट की रेसिपी नहीं, कैसा लगा छोटा सा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस एक नए वीडियो के साथ। मिलते तो नहीं है लेकिन फिर भी बोल। Let me up with a bright smile on now, me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you, are real right now.